बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम योर साइंस टीचर। हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है, दी प्लांट वर्ड। आज यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन 5 है, व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर सीड्स टू जर्मिनेट। जर्मिनेट मीन नशोनुमा पाना, यानी कि एक बीज की ग्रोथ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दी आंसर इज सीड्स नीड वाटर, पानी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लाइट की एंड हीट टू जर्मिनेट। एक बीज को ग्रो करने के लिए पानी, ऑक्सीजन, लाइट और हीट की ज़रूरत पड़ती है। दिस सिक्स क्वेश्चन इज, नेम 3 प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम स्पोर्स एंड 3 दैट ग्रो फ्रॉम सीड। अब मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि स्पोर्स से कौन कौन से प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं और सीड से। जब सबसे पहले है सीड से ग्रो करने वाले प्लांट, सबसे पहले आता है मैपल ट्रीज। मैपल ट्रीज ऐसे दरख्त होते हैं जिनसे हम शक्कर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी मिसाल है पपाया, पपाया यानी कि पपीता। थर्ड वन इज डैंडलियन। डैंडलियन ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो पत्ते होते हैं वो दंदानेदार होते हैं और जो फूल होते हैं वो जर्द कलर के होते हैं। उसके बाद है स्पोर्स। स्पोर्स की मिसालें हैं फंस। फंस ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। उसके बाद दूसरी मिसाल है ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स में आते हैं, ये एक डिज़र्ट प्लांट होता है जिसको हम गिफ्ट देने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज मोसीज। मोसीज ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज नहीं होते।